केस का प्रकरण या तो पटना एसआईटी जज साहब के नेतृत्व में और जो अपराधी बाहर है वो मारने की धमकी उसके गैंग है वो जेल भी चला जाएगा तो गोली चलवाएगा केस उठाने के लिए जैसे इसमें गोली चलवाया मार दिया उसे अपराधी का जगह या तो शमशान या तो 3 महीने के अंदर फांसी जेल नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत नहीं और नेताओं के कुकर्म और पाप को समाज के द्वारा प्रोटेक्ट ना मिले तो जब वोट भी अपराधी ही दिलाएगा बहुत क्लियर हम बता रहे हैं 5 आदमी 5 से 7-8 अपराधी बेगूसराय में तबाह कर दिया 5 से 7 अपराधी इस 7-8 अपराधी को मारने में दिक्कत क्या है यदि थाना प्रभारी से लेके सब लोग सिंडिकेट में लगे रहेंगे वसूली 2 लाख 3 लाख 1 लाख जब तक नहीं पूरेगा तब तक तो फिर सुरक्षा किस बात की होगी बालू में सुरक्षा यही लोग जब वोट की बारी आएगी ये फल्ला भूमिहार ये फल्ला जाति फल्ला राजपूत फल्ला जादव फल्ला 47 स्कॉर्पियो फॉर्चूनर देखते ही हाथ उठ जाता है हाथ काट लेने की जरूरत है ऐसे लोगों की अपराधियों के बगैर ब्याह शादी नहीं होता है इन पब्लिक का किसको बोले भाई किसको गरिया है जहरीला शराब पिलाओ 1000-2000 टका दो माफिया का वोट लो सैर सर्वनाश करने की जरूरत है इंसानियत को बचाने के लिए 10 क्रिमिनल तबाह कर देता है किसी शहर को शुक्ला हन्नी घन्नी कंचन 10 क्रिमिनल 1 क्रिमिनल नहीं मिलता है इन लोगों को और मिलता है तो ये लोग आराम से उसको दमाद और भतार बना करके भेज देते हैं जेल जेल से ठोकना चाहिए इन लोगों को जेल में और बोल दीजिएगा आज तक इस परिवार को मैं जानता हूं इनके पिता को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं इस व्यक्ति को पहले भी हमारे घर पर ये आ चुके हैं और आते ही मैंने इसकी मदद की थी एसपी को कह के हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद